देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं खुशी, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। एक नजर बिहार अहम खबरों पर। बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड BCEC ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते परीक्षा स्थगित कर दी है। BCEC ने कहा कि एडमिट कार्ड जारी होने में भी देर होगी। इसकी जानकारी BCEC board.bihar.government.in पर नोटिस जारी कर दी गई है। समस्तीपुर DM ने BC के जरिए सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए की जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। जिला पदाधिकारी के कार्यालय में COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु बनाए गए कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिल सकती है। वे जेल से बाहर आ सकते हैं। सरकार उन्हें पैरोल देने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर पैरोल दिया जा सकता है। राज्य सरकार के मंत्री बादल ने इस बात की पुष्टि की। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के कारण बिहार के जो लोग बिहार के बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए की राशि विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री सचिवालय एवं बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर तथा आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर बाहर फंसे लोगों द्वारा सूचनाएं दी गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन सभी लोगों से मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दूरभाष के माध्यम से वापस फीडबैक प्राप्त किया गया। फीडबैक से पता चला कि लॉकडाउन में फंसे लोग संकट से गुजर रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनकी परेशानी को कम करने के लिए प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया था। मुजफ्फरपुर में पिछले 12 घंटे में चमकी बुखार और उल्टी दस्त की समस्या से ग्रस्त 3 बच्चों को SKMCH में भर्ती कराया गया। हालांकि इनको अब तक IS की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन जाँच के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार अहियापुर के 4 वर्षीय हिमांशु पटेल, बैरिया के 2 वर्षीय नितेश कुमार और साहिबगंज के प्रताप पट्टी के 4.5 वर्षीय छोटू कुमार का इलाज चल रहा है। लॉकडाउन के बीच बिहार के 16 जिलों में नए सिविल सर्जनों की तैनाती, तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनके नए पदस्थापित के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि सोमवार को जारी अधिसूचना में इसकी वजह प्रशासनिक दृष्टिकोण बताया गया है। BPSC कैलेंडर में बदलाव होगा। BPSC और BSC परीक्षाओं का भी इंतजार। बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2020 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया था। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से कार्यालय पूरी तरह बंद है। अब कोई कार्य 14 अप्रैल के बाद शुरू होगा। इसे सिस्टम में आने में समय लगेगा। अब अगस्त में फाइनल रिजल्ट आ सकता है। पूर्णिया में कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार विधान परिषद स्नातक निर्वाचन चुनाव टाल दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि मौजूदा माहौल में चुनाव संभव नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में पोलिंग ऑफिसियल की भीड़ के अलावा पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के साथ चुनाव के लिए सहयोग देने वाले अधिकारियों के साथ कई मतदाता बूथों तक पहुंचेंगे। कोरोना के संक्रमण के कारण स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए फिलहाल चुनाव स्थगित कर दिया गया है। प्रमंडलीय उप निर्वाचन अधिकारी रामलला सिंह ने इसकी जानकारी दी है। मुंगेर जमालपुर में सोमवार को सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव ने करीब 500 रोटियां और सब्जियां का पैकेट बनवाकर शहर के सड़क किनारे बेसहारों, स्लम क्षेत्र के गरीबों व रिक्शा व ठेला चालकों के बीच वितरण किया। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील कर रही है। इस क्रम में सोमवार की शाम DM ने शबे बारात के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। DM राजेश मीणा ने पत्र जारी कर बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के नियमित 9 अप्रैल को शबे बारात के अवसर पर मस्जिदों को बंद रखने को कहा गया है। यूथ फॉर स्वराज के तत्वाधान में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिलों में पहुँचाई जा रही है खाने की सामग्री। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new